प्लीज सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नम्रता कुकिंग डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को आप बहुत कम टाइम और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बना के तैयार कर सकते हैं, और इस रेसिपी में बहुत कम तेल यूज होता है, तो ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। तो एक बार जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को, सभी को पसंद आएगी। और अगर आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। ब्रेड का झटपट तैयार होने वाले नाश्ता के लिए ये हमने एक कप बेसन लिया है, 2 चम्मच हमने मैदा लिया है, 1 चम्मच हम सूजी लिए हैं, 1/2 छोटी चम्मच हम बेकिंग पाउडर लिए हैं, 1/2 छोटी चम्मच हमने चिली फ्लेक्स लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार लें, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, 1 मिर्च बारीक कटा हुआ, यहाँ पे हम चिली फ्लेक्स और हरी मिर्च दोनों यूज कर रहे हैं, आप अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो कम करें, 1/2 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटा हुआ, सेकने के लिए तेल, और ये हमने कुछ ब्रेड लिए हैं, आप ये अपने जरूरत के हिसाब से लें। पहले हम ब्रेड को कट करेंगे, तो ये हम आज गोल शेप में कट कर रहे हैं, आप कोई भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। इसको आप फेंके नहीं, इससे भी आप बहुत अच्छा अच्छा रेसिपी बना सकते हैं, इसका रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। इसी तरह से हम सारा ब्रेड को काट लेंगे, आप इसको किसी ग्लास या कटोरी से भी काट सकते हैं। ये देखिए हमने सारे ब्रेड को काट लिए हैं, अब हम घोल तैयार करेंगे। घोल बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है, अब इसमें ये बेसन डाल देंगे, फिर ये हमने जो मैदा लिया है वो डाल देंगे, सूजी, नमक, हल्दी, चिली फ्लेक्स, बेकिंग पाउडर, यहाँ पे आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार एडजस्ट करें। अब इसमें धीरे धीरे पानी डालते हुए एक घोल बनाएंगे, घोल हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। इसको तब तक अच्छे से मिलाते रहेंगे जब तक इसका सारा गुठलियां खत्म नहीं हो जाए और एक स्मूथ बैटर नहीं तैयार हो जाए, तब तक इसको मिलाते रहना है। ये देखिए ये हमारा घोल बनके तैयार है और इसका कंसिस्टेंसी ऐसे ही रहेगी। तो हम इसमें जो सब्जियां ली है वो डाल देंगे। सबसे पहले हम ये प्याज डाल देंगे, फिर ये टमाटर, फिर ये शिमला मिर्च, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, अब ये सबको अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको बैटर थोड़ा ज्यादा गाढ़ा लगे तो थोड़ा पानी डाल के आप पतला कर सकते हैं इसको। बहुत ही हेल्दी बनता है ये नाश्ता और टेस्टी भी, तो आप भी जरूर ट्राई करें इस नाश्ते की रेसिपी को। ब्रेड सेकने के लिए गैस पे हमने एक तवा गर्म होने रख दिया है, तवा गर्म हो जाएगा तब हम इसको सेकेंगे। तवा गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच तेल डाल देंगे, इसको अच्छे से फैला देंगे। अब हमने जो ब्रेड काट के रखा है वो इस बैटर में डिप करेंगे और इसको तवा पे रख देंगे और ऊपर से थोड़ा और बैटर इस पे डाल देंगे। और साइड से थोड़ा और तेल डाल देंगे इसमें, तेल कम ही यूज करना है। यहाँ पे मैं आज तेल यूज की हूँ, आप घी या बटर भी यूज कर सकते हैं इसमें। साइड से तेल डालने से और भी क्रिस्पी बनेगा ये। इसको लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक सेक लेंगे, उसके बाद ही इसको पलटेंगे। 2 से 3 मिनट हमने लो फ्लेम पे इसको सेक लिया है, अब हम इसको पलट देंगे धीरे से और इस साइड भी हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस भी कर देंगे ताकि अच्छे से पक जाए अंदर से। ये देखिए ये इस साइड से भी कितना अच्छा सिक गया है, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी सेक लेंगे। यहाँ मैं एक बार में एक ही सेक रही हूँ, आप 2-3 भी सेक सकते हैं इस तरह से।
अब हम इसको पलट देंगे। इसी तरह से हम सारे बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना कम टाइम में और कितना हेल्दी नाश्ता बन के तैयार हुआ है। इसमें बहुत कम तेल यूज होता है तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप भी जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को। आप इसको बच्चे के टिफिन में भी डाल सकते हैं, सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं, कभी भी आप इसको झटपट बना सकते हैं। तो आप भी जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को और कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें। तो मिलती है ऐसी ही यम्मी हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।